निम्नलिखित कंट्रोल्स को जोड़ा जाता है, वेयर फॉलोइंग कंट्रोल्स आर एडेड, ठीक है, कितने कंट्रोल्स हमें खेलना है ये हमें देखना है। मैं हिंदी इंग्लिश दो बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले इंग्लिश टर्म में लिखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कंट्रोल्स को ऐड किया जाता है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा हमने क्या किया यहाँ पे डाला गया, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे आपने यहाँ पे देखा नेम और सामने आप क्या देखते हो टेक्स्ट बॉक्स देखते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे फादर और मदर नेम भी यहाँ पे कर दिया और मदर, उसके सामने भी हमने क्या देखा एक टेक्स्ट बॉक्स दोनों के सामने लग के देखा हमने, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे जेंडर आपसे पूछा गया तो आपने क्या लगाया मेल और फीमेल, ऐसे जेंडर लगाए। इसके बाद जैसे आपको कहा गया हॉबी, तो हॉबी में जैसे आपको यहाँ पे सिंगिंग या डांसिंग, दो हॉबीज जैसे आपके यहाँ पे है, दोनों में से कोई एक को चेक करें या दोनों को चेक करें, या आप दो को छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या आपसे एंटर करवाया जाता है सेलेक्ट कोर्स, कि किस कोर्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिलेक्ट कोर्स हमने किया साथ में क्या लगा एक कॉम्बो लगा दिया, ठीक है। आज आपका भी पहला दिन है, ठीक है, आप थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेशन करिएगा, मैं बता दे रहा क्या कर रहे हैं। अब फाइनली सब कुछ होने के बाद आप क्या करते हो सेव बटन रहता है, आप एंटर क्या करते हो सेव करते हो, तो ऐसे इस तरीके से आप देखते हो कि बहुत सारे आपको क्या करने हैं फॉर्म्स ऑनलाइन आपको जमा करने होते, क्योंकि आजकल की टेंडेंसी में आपको बता दे रहा हूँ गवर्नमेंट आपके घर में नहीं आती आजकल डेटा देने के लिए। गवर्नमेंट क्या कहती है मेरी वेबसाइट ऐप में जाओ फॉर्म भर दो, डेटा सबमिट कर दो, मेरे सर्वर में आ जाएगा, मैं वहां से डेटा एक्सेस कर लूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, ये डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए। अब इस फॉर्म में क्या क्या हमने देखा लेबल, ये लेबल होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स डेटा अफकोर्स हम इसमें डाले टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। फिर ये भी लेबल टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी लेबल टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद ये लेबल और ये आपके रेडियो बटन है, ये लेबल आपके चेकबॉक्स है, ये लेबल आपका इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और साथ में ये क्या है एक बटन है सेव का। इनको आप किस तरीके से बनाएंगे आज हम इनको देखते हैं।